हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। जैसा कि आप जानते हैं, जो आज मैच खेला जाना है कलकत्ता और दिल्ली के बीच में, इस आईपीएल का 13वां मैच होना है और ये मैच खेला जाना है ईडन गार्डन में। तो थोड़ा कलकत्ते को फेवर करने वाला मैच। इस मैच का वीडियो है जो मैं अपने चैनल पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उस वीडियो में बात की है कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की और दोनों की प्लेइंग इलेवन की, ग्राउंड की और पिच की हमने बात की, और साथ मैंने बात की है कि दोनों टीमों में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो आपने जो वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ से एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा, आपका लॉस नहीं होगा, जिससे आप खुद से टीम बना सकोगे और ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग आसानी से विन कर सकोगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि भाई आप हमें ग्रैंड लीग की 6 टीम दो, आप हमें ग्रैंड लीग की 6 टीम दो। तो मैंने जैसे कल कहा था कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आजकल थोड़ा बहुत काम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो है ग्रैंड लीग की 6 टीम मिल सके। और एक बार मैं वापस कंफर्म कर दूं कि अगर आपको मेरी 6 टीम अच्छी लगे तभी आप मेरी टीम के साथ खेलना। अगर बाय चांस आपका मेरी टीम के साथ लॉस हो गया, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट दो ही चीज़ हो सकती है इसमें, तो अगर लॉस हो गया तो फिर मुझे बोलना, क्योंकि आप खेलो तो आप रिस्क पर खेलना, क्योंकि ग्रैंड लीग की टीम हम तो रिस्क की टीम बनाते हैं, सेफ टीम के साथ हम ग्रैंड लीग विन नहीं कर सकते। इसलिए मैं थोड़ी बहुत रिस्क की टीम लेके आया हूँ आपके लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा रिस्क बनाया है मैंने, तो अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है आपको ग्रैंड लीग विन करा दे, लेकिन अगर नहीं करा सके लॉस हो गया तो फिर मुझे मत बोलना भाई। आपको अगर अच्छी लगे तो अपने रिस्क पर ही टीम जो मैंने दी है उस अपने रिस्क पर ही टीम के साथ खेलना। तो वही हम शुरुआत करते हैं 6 ग्रैंड लीग टीम्स की। अगर आपको सेफ टीम चाहिए स्मॉल लीग की, तो मैंने उस पहले वाले वीडियो में जो है बताया हुआ, उसकी लिंक है जो मैं आपको ऊपर दे दूंगा, आप ऊपर क्लिक करके कल वाला वीडियो देख सकते हो जो मैंने डाउनलोड अपलोड किया हुआ अपने चैनल पे। तो हम बात करते हैं 6 ग्रैंड लीग की टीम्स की। तो हम बात करेंगे पहले जो फर्स्ट टीम की हम बात करेंगे, उसमें थोड़ा डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में थोड़ा बहुत कन्फर्म हो जाए। तो विकेट कीपर सेक्शन के आपके पास 3 ऑप्शन है, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और नमन ओझा। नमन ओझा नहीं खेलेंगे, 2 से ऑप्शन है, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत। मैं इस टीम में ऋषभ पंत के साथ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि दिनेश कार्तिक से पहले बैटिंग करने आते हैं और हर मैच में जो है 20-30-40 रन बना रहे हैं। दिनेश कार्तिक भी कंसिस्टेंट बल्लेबाज है, वो भी हर मैच में 20-30-40 रन बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा नीचे बैटिंग करने आते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी को भी अपनी टीम में पिक कर सकते हो, एकदम सेफ ऑप्शन है। हम बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, मैं 4 बैट्समैन के साथ गया हूँ, गौतम गंभीर, क्रिस लिन, जसन रॉय और नीतीश राणा। ऑप्शन की बात करो तो रॉबिन उथप्पा, कोलिन मुनरो नहीं खेलेंगे, सुरेश अय्यर, डेरपोर्ट नहीं खेलेंगे, सिंगमान नहीं खेलेंगे, पृथ्वी शाह नहीं खेलेंगे, मनोज कालर नहीं खेलेंगे, ईशान जग्गी नहीं खेलेंगे, रिंकू सिंह नहीं खेलेंगे, शुभम गुमरा आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे और वानखेड़े नहीं खेलेंगे। हम बात करते हैं ऑलराउंड सेक्शन की, तो ऑलराउंड सेक्शन में 3 ओवर को पिक किए, ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रेसल और सुनील नारायण। और ऑप्शन की बात को तो क्रिस मॉरिस मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे, क्रिस मॉरिस खेलेंगे या डेनियल क्रिश्चियन खेलेंगे, क्योंकि पिछला मैच दिल्ली जीत चुका है, तो इसलिए मेरे हिसाब से डेनियल क्रिश्चियन को ही मौका मिलेगा। विजय शंकर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे और टॉम करन और मिचेल जॉनसन, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, और जो है अभिषेक शर्मा नहीं खेलेगा। हम करते हैं बॉलिंग सेक्शन की बात, तो बॉलिंग सेक्शन में 3 बॉलर को पिक किया, कुलदीप यादव, ट्रेंट बोल्ट और राहुल को। और ऑप्शन की बात को तो आपके पास अमित मिश्रा और शहबाज नदीम, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, तो दोनों का फिट रहने वाला है। मोहम्मद शमी आपको खेलते नजर आ जाएंगे, लियाम पलंकित नहीं खेलेंगे, पीयूष आला आपको खेलते नजर आ जाएंगे, टॉम करन और मिचेल जॉनसन से कोई एक खेलेगा, तो इनका दोनों का फ्यूचर रहने वाला है। विनय कुमार नहीं खेलेंगे ये मैच, तो आप इनको मत पिक करना। शहबाज नदीम और अमित मिश्रा, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, तो आप दोनों का 50-50 कह सकते हो। हर्षल पटेल और अवेश खान दोनों नहीं खेलेंगे, जयदेव यादव नहीं खेलेंगे, शिवम अभी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, आप इन्हें अपनी टीम में पिक कर सकते हो क्योंकि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं ये। और नीचे ऑप्शन तो सारे अच्छे, बट कोई खेलेगा नहीं। तो हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, तो कैप्टन में अपनी टीम में रखा कुलदीप यादव को, वाइस कैप्टन में ग्लेन मैक्सवेल को। आइए बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू को, तो ये मेरी टीम का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला है। ग्रैंड लीग की टीम है, स्मॉल लीग की टीम नहीं है। वैसे तो सेफ टीम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं ग्रैंड लीग की, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो मैं सेफ मेरी टीम के साथ जाते हैं, तो थोड़ी मुझे सेफ टीम बनानी पड़ती है। बाकी आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहो तो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में पूरी डिटेल से एक एक बात आपको समझाई, एक बार आप ज़रूर जाके देख लेना, आप ही का फ़ायदा होगा। तो ये मेरा फाइनल प्रीव्यू रहने वाला है इस टीम में। देखिए मैंने थोड़ा अलग करने की कोशिश, कुलदीप यादव को मैंने कप्तान बनाया है क्योंकि कुलदीप यादव का जो अभी तक आईपीएल इतना अच्छा नहीं किया, तो हो सकता है आज के मुकाबले में वो अच्छे बॉलिंग करे और आपको अच्छे पॉइंट दिलाए। और वाइस कैप्टन है जो है ग्लेन मैक्सवेल को। आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस अगर चाहिए तो पहले वाले वीडियो एक बार देख लेना, उसमें मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की दोनों की बता रखी है और पॉइंट टेबल का भी हमने उस वीडियो में बात किया, तो आप एक बार से जाके देख लेना, मैं ऊपर आपको लिंक दे दूंगा। अब हम आते हैं सेकेंड टीम की, तो सेकेंड टीम का ये प्रीव्यू आपके सामने है। इस टीम में विकेट कीपर दिनेश कार्तिक को पिक किया है,
गौतम गंभीर, रोबिन उत्थप्पा, सुरेश अय्यर और नितीश राणा, चारों देखे में इंडियन बैट्समैन को पिक किया है क्योंकि ये चारों ही अच्छे कर रहे हैं और इंडिया के पिचेस में इंडिया के बैट्समैन ज़्यादा हावी रहते हैं। और नितीश राणा का तो मैं आपको बता दूँ, ये एक ऑलराउंडर है, साथ में अगर बॉलिंग कराए और आप विकेट लिया एक दो तो आपको अच्छे पॉइंट बॉलिंग दिला सकते हैं। आंध्र रसल, सुनील नारायण और डेनियल क्रिश्चियन, ये थोड़ा इसकी मैंने इस टीम में पिक किया है, 90% खेलेंगे बट डाउटफुल ही होता है। शिवम मावी, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी, शिवम मावी का भी कहूँ तो हल्का सा ये मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा डाउटफुल है ये, लेकिन 99% खेलेंगे क्योंकि ये अच्छे बॉलर हैं और मुझे लगता है आज के मैच में अच्छा भी करेंगे क्योंकि इनको बहुत ही कम परसेंट लोगों ने ले रखा है। अगर आप जो है इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में बनाते हो, रिस्क लेते हो, अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो सिर्फ 7% लोगों ने इनको ले रखा अभी तक, तो अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको वन साइडली ग्रांड लीग विन ये करा सकते हैं। इस टीम में मैंने कैप्टन बनाया आंध्र रसल को, वाइस कैप्टन बनाया डेनियल क्रिश्चियन को। वापस से बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी टीम पसंद नहीं आई है तो कोई बात नहीं भाई, आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हो। ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो मुझे बोल रहे थे कि भाई हमें ग्रांड लीग की टीम छह टीम बना के दो, जिससे हमें कन्फर्म हो सके कि हम किस तरह से टीम बना सकते हैं, बाकी हम एक दो चेंज करके अपने हिसाब से टीम बना लेंगे, लेकिन आप हमें ग्रांड लीग की छह टीम दो। इसलिए मैं छह टीम आपके लिए बना के लाया हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत कन्फर्म हो जाए और आप एक दो प्लेयर अपने हिसाब से चेंज किया करो ताकि आपको जो है अच्छा प्रॉफिट हो सके। अब हम बात करेंगे जो थर्ड टीम है उसमें विकेट कीपर बात देखिए, ऋषभ पंत को मैंने पिक किया, क्रिस लीन, रोबिन उत्तप्पा, जसन रॉय और नितीश राणा। और जसन रॉय का एक बात मैं कंफर्म कर दूं, ये कंसिस्टेंट बल्लेबाज नहीं है, ये एक मैच में रन बनाते हैं और 3-4-5 मैच में जो फ्लॉप रहते हैं, तो हो सकता है आज के मैच में जल्दी आउट हो जाए, तो आप इन्हें बना सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही बड़ा प्लेयर है, पिछले अच्छा परफॉर्म भी किया था, लेकिन ये कंसिस्टेंट बल्लेबाज नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस मॉरिस को देखिए मैंने पिक किया, या तो डेनियल क्रिश्चियन खेलेंगे या क्रिस मॉरिस खेलेंगे। डेनियल क्रिश्चियन का मैंने आपको बताया 90% खेलेंगे और क्रिस मॉरिस सिर्फ 10% का इनका चांस है। तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, ग्रांड लीग की टीम है, अगर आपको क्रिस मॉरिस को नहीं लेना तो आप डेनियल क्रिश्चियन को ले सकते हो, या इनके जगह एकदम जो सेफ है सुनील नारायण, तो आप सुनील नारायण को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। आंध्र रसल, राहुल, पीयूष चावला और सदाब नदीम का भी थोड़ा बहुत डाउटफुल है भाई, अगर आप लेना चाहते हो तो इन्हें ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ग्रांड लीग की टीम दे रहा हूँ तो हो सकता है आपका एक दो प्लेयर मिस हो जाए क्योंकि इसकी टीम होती है सारी। तो इस टीम में कैप्टन बनाया क्रिस लीन को, वाइस कैप्टन बनाया ग्लेन मैक्सवेल को। क्रिस मॉरिस और सबाद नदीम ये दोनों रिस्की होने वाले हैं, दोनों के चांसेस लगभग बराबर से हैं खेलने के, हो सकता ना भी खेलें, तो आपको अगर सही लगे तभी आप बनाना, बाकी आपको मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है पिछले वीडियो में, जो आप एक बार देखना उसमें मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है ताकि आपको जो कन्फर्म न्यूज़ है जो मिल सके जिससे आप खुद से टीम बना सको। अब हम बात करेंगे फोर्थ टीम की, तो इस टीम में दिनेश कार्तिक को विकेट कीपर पिक किया है, शुभम गिल, गौतम गंभीर, रोबिन उत्तप्पा, नितीश राणा और सुरेश अय्यर, पांचों बैट्समैन इंडिया के मैंने पिक किए हैं क्योंकि अगर ज़्यादा रन बने तो इंडिया के बैट्समैन ही ज़्यादा रन बनाने के हर मैच में चांस रहते हैं। आंध्र रसल और सुनील नारायण, इन दोनों को आप मिस मत करना किसी भी टीम में क्योंकि दोनों ही चार ओवर कराते हैं, साथ में बैटिंग भी जबरदस्त करते हैं। कुलदीप यादव, ट्रेंट बोल्ट और राहुल त्रिपाठी का मैं आपको बता दूं, इन्हें बहुत कम लोग अपनी टीम में पिक करेंगे क्योंकि इतने खास बॉलर नहीं है, लेकिन हम ग्रांड लीग की टीम बना रहे तो हम थोड़ा बहुत है जो रिस्क प्लेयर को पिक करेंगे क्योंकि अच्छा किया तो सिर्फ कम ही लोगों को पॉइंट देंगे, तो आपको अगर इनके पॉइंट मिले तो आप विन आसानी से कर सकते हो। इस टीम में कैप्टन बनाए मैंने अभी तक जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए रोबिन उत्तप्पा को, वाइस कैप्टन बनाया नितीश राणा को, तो अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छा नहीं लगते तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में चेंज कर सकते हो, एक दो प्लेयर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। अगर सिर्फ मेरी टीम के साथ जाना चाहते हो, अगर आपका लॉस हुआ तो भाई मुझे बोला, अगर फ़ायदा होता है प्रॉफिट होता है तब जरूर बोलना कि भाई हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब आप बात करते हैं जो फाइव टीम की जो मैंने आपके लिए बनाई है, इससे देखिए ऋषभ पंत को मैंने विकेट में चूज़ किया, गौतम गंभीर, रोबिन उत्तप्पा, नितीश राणा, सुनील नारायण, ग्लेन मैक्सवेल और डेनियल क्रिश्चियन, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, ट्रेंट बोल्ट और पीयूष चावला। तो यह टीम में सिर्फ डेनियल क्रिश्चियन ही है जो थोड़े डाउटफुल है, बाकी सारे प्लेयर मेरे हिसाब से खेलते हुए नजर आए अगर लास्ट टाइम कोई इंजर्ड नहीं हुआ तो। तो इस टीम में मैंने कैप्टन बनाया ऋषभ पंत को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया गौतम गंभीर को। और गौतम गंभीर का मैं आपको बताया कंसिस्टेंट बल्लेबाज, हर मैच में बनाते तो आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन आराम से बना सकते हो, लेकिन बहुत लोग इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। तो ये मेरी फाइव टीम जो है ग्रांड लीग की रहने वाली है। हम बात करते हैं सिक्स टीम की, तो इस टीम में देखिए मैंने पिक किया दिनेश कार्तिक को, गौतम गंभीर, क्रिस लीन, रोबिन उत्तप्पा और जसन रॉय जिन्होंने पिछले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, आंध्र रसल, सुनील नारायण, डेनियल क्रिश्चियन, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और राहुल। तो ये 11 प्लेयर मैंने पिक किए इस टीम में, कैप्टन बनाया जसन रॉय को, वैसे मैंने बनाया दिनेश कार्तिक को।
तो वापस से बोल रहा हूँ कि ये सारी टीम मैंने ग्रैंड लीग की दी, स्मॉल लीग में आप इनके साथ मत खेलना। ग्रैंड लीग में थोड़ी बहुत मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन भी है जो सेफ नहीं रखा, थोड़ा बहुत कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्क बनाए हैं, क्योंकि अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो ऑन द रसल चार ओवर बल्लेबाजी करेंगे, सुनील नारायण चार ओवर बल्लेबाजी करेंगे, और डेनियल क्रिश्चियन भी अपने चार ओवर पूरे करेंगे और बल्लेबाजी करेंगे, और ग्लेन मैक्सवेल भी अपने दो तीन ओवर पूरे करेंगे और बल्लेबाजी करेंगे। तो आप इन्हें अगर सेफ जाना चाहते हो तो इन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन थोड़ा मैंने इसकी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रखी है, क्योंकि ग्रैंड लीग हम कुछ अलग करके ही विन कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी जो है ग्रैंड लीग की चैटी में कन्फर्म हो सके, वो भी आए कुछ अपने हिसाब से चेंज करके एक अच्छी टीम बना सके। और कमेंट करना मत भूलना, ताकि मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स का वीडियो बनाऊं, उसमें आपके कमेंट जो है पढ़ के जवाब दे सकूं। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, और सब्सक्राइब करोगे तो आप ही का फ़ायदा होगा, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, उससे होगा ये कि जैसे भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। और वेव 11 मेरे, मैं वापस बोल रहा हूँ, वेव 11 आप एक बार खेल के देखो, आपका प्रॉफिट होगा। वेव 11 की ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर मेरे रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको 100 रुपये का बोनस मिलेगा। रेफरल कोड है मेरे 9C871, ये रेफरल कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और मैं इससे पहले 1 घंटे पहले आप कमेंट सेक्शन बुक चेक कर लेना, अगर कोई प्लेयर के बारे में न्यूज आई तो मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, धन्यवाद।